जन्माष्टमी में हम सबके घर में कोई ना कोई फराली वानगी जरूर बनती है, या फिर पूरी फराली डिश भी हम बनाते हैं। तो आज हम यहाँ पे राजगिरा का सीरा बनाएंगे और इसे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, और इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुड़ से बनाएंगे, तो बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए राजगिरा का सीरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में आधा बाउल जितना घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें घर की कोई भी एक कटोरी ले लेना है और उसी से हमें मेज़र करके सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है। जैसे ही घी गर्म हो जाता है हल्का सा, उसमें हम एक बाउल जितना राजगिरा का आटा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा राजगिरा का आटा होता है वो लिया है। अगर आपके पास दरदरा राजगिरा का आटा नहीं है तो नॉर्मल आटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दरदरा जो राजगिरा का आटा होता है उसी से जो शीरा है उसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आता है। अब इस आटे को हम मध्यम आंच पे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन जैसा बन के तैयार ना हो जाए। जब तक ये जो आटा भूनता है तब तक दूसरी ओर हम यहाँ पे राजगिरा में ऐड करने के लिए एक वाटर मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। जिस कटोरी से हमने आटा मेज़र करके लिया था उसी कटोरी से ही हम मेज़र करके 2 कटोरी जितना पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी सीरा बनाते हैं तो उसमें हमेशा हमें हल्का सा गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करना है, तभी जाके इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आता है। 3/4 बाउल जितना इसमें ग्रेट किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो पानी है वो हल्का सा गुनगुना होके तैयार हो जाए। तो ये जो गुड़ वाला मिश्रण है इसे हम मध्यम आंच पे गरम कर लेंगे, और जब भी हम गुड़ वाला कोई भी शीरा बनाते हैं तो वो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। तो अभी जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और साथ ही साथ पानी भी गर्म हो गया है, तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। दूसरी ओर जो आटा है वो भी अच्छे से भुनने लगा है। जैसे जैसे हम इसे भुनते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो टेक्सचर है वो चेंज होता जाएगा। तो इसे हमें मध्यम आंच पे अच्छे से भुनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन जैसा बन के तैयार ना हो जाए। ये जो राजगिरा का आटा होता है इसमें प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम होता है, तो छोटे बच्चे को आप इसकी पोरेज बना के भी दे सकते हैं। तो अभी जो आटा है वो अच्छे से भून चुका है, तो इसी स्टेज पर हम इसमें गुड़ वाला पानी ऐड कर देंगे। जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो गैस की फ्लेम स्लो कर देना है और उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। पहले हमें ऐसा लगेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है, लेकिन ये जो आटा है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे इसका टेक्सचर भी चेंज होने लगेगा। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से घी जो है वो सेपरेट होने ना लगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज होने लगा है और इसमें से घी भी सेपरेट होने लगा है। एक परफेक्ट इसमें लस्टर आ गया है। अगर आपको इलायची पाउडर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर पसंद है तो वो आप इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा शीरा बनके तैयार हो गया है, तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जन्माष्टमी स्पेशल बिना शुगर वाला हेल्दी राजगिरा का सीरा बनके तैयार हो गया है। राजगिरा में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन तीनों एक साथ होते हैं, तो ये सीरा जो है वो बहुत ही हेल्दी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों।